हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन रघुवंशी और मैं आ चुका हूँ अपने एक और ट्यूटोरियल लेकर। इससे पहले मेरे ट्यूटोरियल थे हाउ टू डू पुशअप और हाउ टू डू हेड स्टैंड। अब ये थोड़े पावर के ट्यूटोरियल चल रहे हैं क्योंकि कराटे में पावर बहुत ज़रूरी है और आपकी बॉडी में भी पावर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो मेरा अगला ट्यूटोरियल है वो हैंड स्टैंड का ही है। हैंड स्टैंड के लिए आप सोच रहे हो कि आप किसी का ट्यूटोरियल देख लेंगे, क्योंकि ट्यूटोरियल तो बहुत ज़्यादा होते हैं यूट्यूब पर। बैक फ्लिप 5 मिनट में, वो आपको पता है वो सब फेक होते हैं, 5 मिनट में कोई नहीं सीख सकता, उन्होंने भी नहीं सीखा होगा 5 मिनट में। तो आप देखिए, तो क्या करना है, ये है शोल्डर प्रेस। इसके बाद अगर आप हैंड स्टैंड तो समझते हैं इसे, पुशअप और हैंड स्टैंड के बाद इसे देखें। ऊपर आई बटन पर क्लिक हो रहा होगा और वीडियो के लास्ट में भी वो आ जाएगा, तो सीखते हैं। पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं कैसे होता है ये। यह शोल्डर प्रेस, अब आइए इसे सीखते हैं। इसको सीखने के लिए हाथों में जान तो चाहिए, तो पुशअप के बिना ही नहीं होगा। अगर आप 20 पुशअप नहीं मार पाते हैं परफेक्ट वाले, तो आप इसे ट्राई मत करिए, पहले पुशअप करिए, वरना आप ये करते ही रहेंगे और आप नहीं कर पाएंगे फिर भी इसे। तो अब आते हैं हैंड प्लेसमेंट के ऊपर। हैंड प्लेसमेंट हमें अपने हाथों से करनी है, क्योंकि जो हमारी एल्बो है वो ही हमारी बॉडी को उठाएगी। एल्बो को स्टमक के पास लगाना है, ये ऐसे देख लीजिए साइड से, ये ऐसे लगाना है और ज़मीन पर रख के देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। कैसे, ये ऐसे ऐसे लगाना सीख गए। पहले ये करिए, पहला स्टेप इसका यही है, पहले आपको ये आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप आ गए हैं। अब धीरे धीरे किक मारिए, यानी बॉडी को उठाने की कोशिश करिए हवा में। ऐसे एक एक सेकंड के लिए रोकिए, फिर नीचे करिए, फिर रोकिए, फिर करिए। ऐसा आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। फिर बैलेंस के लिए मैं बताता हूँ, पहले आप इतना कर लीजिए। अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें बात यह है कि आप जब किक मारेंगे तो हो सकता है कि आप आगे को भी गिरें, आपका सिर लगेगा आगे को, मेरा भी लगता, तो कोई बात नहीं, आगे लगना चाहिए। तो आप उसके लिए पिलो या कोई फ्रेंड हो उसके हाथ का यूज़ कर सकते, ताकि वो थोड़ा आपको ऊपर करे। इसका बैलेंस समझिए, अब बैलेंस कैसे होता है इसमें। जो हम एल्बो अपनी लगाते हैं पेट के पास, वो हमारी बॉडी का बिल्कुल मिडिल पोर्शन में लगाते हैं। मान लीजिए एक तराजू वेट के लिए, उसमें अगर आप इधर वेट ज़्यादा कर दें तो इधर आप गिरने लगेंगे, और अगर इधर ज़्यादा कर दें तो इधर आप गिरने लगेंगे। पर अब वहीं अगर आप दोनों में इक्वल कर दें तो बिल्कुल वो सीधा हो जाएगा, एक जगह अप डाउन और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा वो। तो आपको वो ही चीज़ करनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किक भी मारते हैं तो कम से कम इतनी आप किक रखिए कि आपका जो फेस आगे से और लेग्स पीछे से बिल्कुल सीधे हों। फेस ऊपर, लेग्स नीचे, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, बिल्कुल सीधा एक लेवल में। अगर आप ये मेंटेन कर लेते हैं तो आप इसे रोकना भी सीख जाएंगे। और अब आप ये नहीं कर पा रहे तो कितनी भी हाथों में जान हो आप इसे नहीं रोक पाएंगे। तो पहले आप सिर से इसे रोकना सीखिए धीरे धीरे। यही मैंने बताया था, हेड स्टैंड ज़रूरी है। जैसे पिलो रख लिया, करने की कोशिश करी, देखिए पिलो से तो इजी हो जाएगा। तो आप पिलो से पहले करना सीख लीजिए। अगर आप ऐसे रोक पा रहे हैं तो अब आप एक और ड्रिल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मानिए ये मेरा बेड, इस बेड पे देखिए कैसे करना है। ऐसे आपकी कोई हो, ऐसे गद्दे वद्दे की तरफ साइड से हाइट पे आपको रोकना आना चाहिए। ये मैंने केवल अपनी बॉडी हाथों पे ऐसे उठा के देख ली, आप भी ऐसे देख सकते हैं। और जब आप ये उठाना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को जो आगे का पोर्शन है उसको नीचे करिए, लेग्स अपने आप ऊपर होते चले जाएंगे। ये धीरे धीरे
और फिर आप फाइनली इसको धीरे धीरे से ले आए सीधे। ऐसे अगर आप इस पे एकदम सीधा कर लेते हैं तो आप तैयार हैं इसको जमीन पर करने के लिए। तो देखिए वो ही बैलेंस के लिए, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, बिल्कुल बीच में। ये कम से कम अब थोड़ा होल्ड करना सीखिए, 2 सेकंड रोक के देखिए, फिर नीचे हो जाइए, फिर रोकिए, फिर नीचे हो जाइए। ऐसे टाइम अपने आप बढ़ने लगेगा। आगे अगर सिर भी आ जा रहा है, रख जा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको रखते ही ऊपर कर लीजिए। कैसे? ये कोशिश करिए, ऊपर नीचे कोशिश करिए। ऐसे आप करते करते आपके हाथों में भी जान आ जाएगी। आप इसके बाद हैंड स्टैंड बहुत इजी हो जाएगा। अगला ट्यूटोरियल मेरा उसी का है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। एक बार और दिखा देता हूँ पूरा कि कैसा होने के बाद ये लगेगा। और एडवांस में आप इसको पैर अपने और भी ऊपर कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ये ऐसे करके भी आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। होप करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं। और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कोई भी कराटे से जुड़ी नॉलेज या कुछ भी आपको मूव जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।